उत्तराखंड में बारिश ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। इसके साथ ही इस तबाही के मंजर के पीछे प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। नैनीताल में सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर देखने को मिला। तल्लीताल में माल रोड और नैनी देवी का मंदिर बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गया। इसी बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नैनी झील के दोनों गेट बंद पाए गए। कंट्रोल रूम में भी पानी भर गया और ऑफिस से सभी कर्मचारी नदारद हैं। यहां देखने में पाया गया कि मशीन ऑटो मोड से हटाकर मैनुअल कर दी गई है जिसके कारण गेट बंद रहा। बाढ़ से जिन व्यवसायियों का नुकसान हुआ है वो इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी पानी का अधिक प्रेशर और सीमित निकासी की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उत्तराखंड की आपदा में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। नैनीताल का सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया देखा गया। नैनीताल सबसे ज्यादा वहां पर तबाही देखी गई है। नैना देवी मंदिर जलमग्न हो गई है और ऐसे में एक वीडियो सामने आ रहा है जहां पर नैना देवी के दोनों गेट बंद पाए गए हैं। पीड़ित व्यवसायी का कहना है कि जांच की जाए इसको लेकर। गेट की बात जो है ना, आपने मेरे को वीडियो दिखाया, सवाल ये उठता कि जब इतनी बारिश हुई तो गेट बंद क्यों है, और जो आपने वीडियो दिखाया उसमें ऑफिस के अंदर कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है। जबकि आपका लेक लेवल पहले से बिल्कुल ऑप्टिमम पे मैक्सिमम में था और उसके बाद इतनी बारिश हुई है और गेट आप बंद दिखा रहे हो, तो नेचुरली ये स्थिति आनी थी। दूसरी चीज, इस वक्त अगर कोई जिम्मेदार है इसका, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों गेट बंद हुए, क्यों गेट बंद थे। जो नया सिस्टम लगाया गया है उसका कोई, उसका केवल इतना रोल है इस पूरे सिस्टम में पानी को डिस्चार्ज करने का कि वो ऑटोमेटिकली वो गेट खुल जाते हैं। हमें उसमें मैनुअल, अगर हमने उसको ऑटोमेटिकल मोड में डाल रखा है तो अपने आप ऑपरेट होते हैं। बाकी जो झील से जल निकासी की व्यवस्था है वो अभी भी पूरी की पूरी, जो जितनी मात्रा झील से पानी की निकलती है वो अभी भी ब्रिटिश पीरियड के जो हमारे सिस्टम हैं उसकी कैपेसिटी पर ही डिपेंड है। बाकी ऐसा जो स्काडा सिस्टम, जो नए गेट लगे हैं, उनका कोई इसमें कोई विशेष ऐसा रोल नहीं था, सिर्फ वो हमारी सुविधा के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने कुछ ऑटोमेटिक गेट्स लगाए हैं और 5 की जगह शायद वो 2 हो गए हैं। और नैनीताल की खासियत यही है कि पानी को, ताल को हम कंट्रोल करते हैं। जब भी ओवरफ्लो होता है तो उसको हम डिस्चार्ज करते हैं रेगुलरली और हमारा ओवरफ्लो नहीं होता। और ऐसा बहुत कम हो देखने में जिंदगी में, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी 25-30 साल की याददाश्त है, हमने कभी ऐसा ओवरफ्लो करते हुए नहीं देखा।